नमस्कार किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में जीएसपी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड का जो स्लेयर प्रो इंसेक्टिसाइड है उसकी हम पूरी जानकारी लेंगे। यह कीटनाशक के अंदर जो टेक्निकल है वो थाइमेथोक्सम 30% FS फॉर्म में आता है, यानी ये लिक्विड गाढ़े फॉर्म में आ जाता है। इस कीटनाशक का इस्तेमाल हम तीन तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है सीड ट्रीटमेंट, मतलब बीज प्रक्रिया भी हम इससे कर सकते हैं। सेकंड जो है हम इसका स्प्रे भी ले सकते हैं, और तीसरा है हम इसका इस्तेमाल ड्रिंचिंग में भी कर सकते हैं। यह कीटनाशक जो है वो GPRS टेक्नोलॉजी पे आधारित है। तो अब हम जानेंगे ये GPRS टेक्नोलॉजी क्या है। इसमें जी का मतलब है ग्रोथ, ग्रीनिंग और जर्मिनेशन। यह कीटनाशक पौधे को ग्रोथ होने में भी मदद करता है और पौधे को हरा भरा भी रखता है। और अगर इस इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल हम बीज प्रक्रिया में करते हैं तो सीड का जो जर्मिनेशन होता है वो भी अच्छा हो जाता है। इसमें पी का मतलब है पेनिट्रेशन। जब हम इसका ड्रिंचिंग में यूज़ करते हैं तो यह कीटनाशक रूट्स के द्वारा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। आर का मतलब है रेनफास्टनेट। यह इंसेक्टिसाइड का रेनफास्टनेट लगभग आधा घंटा यानी 30 मिनट है। इसका स्प्रे लेने के बाद 30 मिनट के बाद अगर बारिश हो गई तो भी हमें इस कीटनाशक का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। इसका मतलब है स्प्रेडिंग एक्शन। रेनफास्टनेसी इस कीटनाशक का 30 मिनट है, यानी ये स्प्रे करने के बाद तुरंत ही अपना काम और असर दिखाना शुरू कर देता है। तो अब हम जानेंगे इसके डोज के बारे में। इसका जो डोज लेना है सीड ट्रीटमेंट के लिए 10 ml लेना है हमें 50 ग्राम बीजों के लिए, और 200 ml लेना है हमें 1 किलोग्राम बीज के लिए। हम इसका इस्तेमाल कपास, सोयाबीन, मक्का इसमें आराम से कर सकते हैं। स्प्रे के तौर पर इस्तेमाल करते वक्त हमें 1 ml पर 1 लीटर पानी के हिसाब से हमें लेना है। 15 ml लेना है हमें 15 लीटर पानी के लिए, 100 ml लेना है हमें 100 लीटर पानी के लिए, और 200 ml लेना है हमें 200 लीटर पानी के लिए। हम इस इंसेक्टिसाइड का ड्रिंचिंग करते वक्त जो लेंगे ड्रिंचिंग करते वक्त हम इसका 500 ml एक एकड़ के हिसाब से डोज है। एक एकड़ में लगभग अगर हमें 200 लीटर पानी लग रहा है तो हम 200 लीटर पानी में 500 ml ऐड करेंगे और इसका ड्रिंचिंग करेंगे। और हाँ, ज़रूरी बात, यह इंसेक्टिसाइड का यूज़ हम प्लांटेशन के 10 से 15 दिन के बीच में करेंगे, क्योंकि तब जो रूट जोन होता है जो छोटे प्लांट्स का वो डेवलप हो चुका होता है, और जब हम इसका ड्रिंचिंग करेंगे तो ये रूट्स के द्वारा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, और इसी के कारण प्लांट जो होते हैं वो जहरीले बन जाते हैं और हमें सकिंग पेस्ट के अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। लगभग 15 दिन के लिए यह असर रह जाता है। बागवानी जैसे अंगूर, अनार और आम में इसका इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल हम डाली और खोड़ को धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो खोड़ कीड़ा यानी स्टीम बोरर जो रहती है वो कंट्रोल में आ जाती है। गन्ना और बैंगन आदि में जब हम इस कीटनाशक का ड्रिंचिंग लेते हैं तो यह सफ़ेद लट यानी वाइट ग्रब यानी मराठी में हुमनी, इसके ऊपर भी ये बहुत शानदार असर करता है। तो अब हम जानेंगे ये कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल करता है। सबसे पहला तो ये मवा, तुड़तुड़ा, मिली बग और सकिंग पेस्ट को ये कंट्रोल करता है। हुमनी यानी वाइट ग्रब यानी सफ़ेद लट और स्टीम बोरर को भी ये बहुत आसानी से कंट्रोल कर देता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।